हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज अमोक्सिलिन पोटेशियम एंड क्लेविनेट टेबलेट, जो कि 625 एमजी होती है। यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। यह बैक्टीरिया के जीवित रहने में आवश्यक जो कवरिंग होती है उसे रोकने का यह काम करती है। इसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कान में इन्फेक्शन, नमोनियों की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन हो गया और स्किन इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, इन सब के इन्फेक्शनों के लिए ये यूज़ में ली जाती है। ये अलग अलग कंपनी की आती है और अलग अलग इनके MRP होती है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे जी घबराना व मुँह में छाले वगैरह होना। अमोक्सिलिन क्लेविनेट एक संयोजन पेनिसिलिन का प्रकार है। यह एक पेनिसिलिन प्रकार का एंटीबायोटिक है, जैसे अपने समझे तो। बच्चों के लिए अलग से 375 एमजी में भी ये आती है। और यह टेबलेट आपको प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए। अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले रहे हो तो आपको एक वीक से ज़्यादा ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। यह टेबलेट नाश्ता करने के पश्चात इन्हें ही लेनी चाहिए। खाली पेट ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, वरना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि गंभीर रूप ले लेते हैं। यह सेम टेबलेट अलग अलग ब्रांड की मिलती है, जैसे मैनकाइंड की, सिप्ला की, और ये आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये जेनरिक में भी उपलब्ध होती है और ये फार्मा में भी उपलब्ध होती है। जेनरिक के कुछ रेट सस्ते होते हैं और फार्मा के कुछ महंगे रेट होते हैं। उनका जो रिज़ल्ट है वो भी अलग अलग प्रकार से रहता है। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे गले में हो, नाक में इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आप उसमें यूज कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट होता है, लेकिन आप लंबे समय तक यूज़ में ना लें। थैंक